दोस्तों जी टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो कुंडली भाग्य जहां एक तरफ खूब लाइमलाइट बटोर रहा है तो वहीं शक्ति अरोरा की एग्जिट ने एक अलग ही हरकंप मचा दिया है। कुंडली भाग्य शो में धीरज धूपर ने करण का किरदार निभाकर लोगों का खूब दिल जीता। हालांकि शो में कुछ साल बाद धीरज धूपर ने इस शो को अलविदा कह दिया और नए शो शेर दिल शेर गिल और झलक दिखलाजा को साइन कर लिया, जिसके बाद शक्ति अरोरा ने इस शो में अर्जुन के किरदार को निभाकर इस शो को आगे बढ़ाया। लेकिन अब खबरें सामने आ रही है कि धीरज धूपर एक बार फिर से इस शो को ज्वाइन कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस शो में लीप के बाद ही धीरज धूपर की एंट्री नजर आएगी, लेकिन करण के किरदार में नहीं बल्कि एक नए किरदार और नए अंदाज में। खबरें सामने आई थी कि शो में 20 साल के जनरल संदीप के साथ श्रद्धा माँ का किरदार प्ले करेगी और शक्ति अरोरा शो से आउट हो जाएंगे। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट की माने तो शो में प्रीता और करण दोनों की मौत हो जाएगी और प्रीता की दोनों बेटियों के इर्द गिर्द ही नया ट्रैक घूमेगा, जहां श्रद्धा अपनी बेटी के किरदार में लीप के बाद नजर आएंगी और शो के नए लीड धीरज धूपर हो सकते हैं। और अब खबरें आ रही हैं कि शक्ति अरोरा की शो से एग्जिट हो जाएगी। कल दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं धीरज धूपर को फिर एक बार शो में वापसी होते हुए देखने के लिए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।